राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकलने के बाद बेरोजगारों में खुशी की लहर है, लेकिन बेरोजगारों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, जिसके बाद बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद बढ़ गई है। गहलोत सरकार सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल करने की मुहिम में जुटी हुई है। हर विभाग का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में अब गहलोत सरकार सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद भरने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश में 14,601 पदों के लिए विज्ञप्ति जल्द निकाली जाएगी। हालांकि बेरोजगारों को विज्ञप्ति का इंतजार है, लेकिन वो इस फैसले से सरकार का आभार जताना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि सालों से राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षा की हालत बेहद खराब चल रही है। प्रदेश में आधे माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, और जहां हैं भी वहां धूल फांक रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि स्कूलों में अनिवार्य तौर पर कंप्यूटर पढ़ाया भी जा रहा है और मूल्यांकन और परिणाम भी जारी हो रहे हैं। पिछली सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाला था, लेकिन उसकी वो विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट में घोषणा करके और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है। तो साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद के साथ यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। राजस्थान में अगर कंप्यूटर शिक्षा का हाल जानना हो तो कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। प्रदेश में कुल 4,057 माध्यमिक स्कूल हैं। प्रदेश में कुल 10,090 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें 8,500 स्कूलों में ICT लैब हैं। स्कूलों में स्थायी नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या शून्य है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें 15,000 से अधिक टीचरों की जरूरत है, और 11th और 12th में कम से कम 12,000 से अधिक कंप्यूटर टीचरों की सख्त जरूरत है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करवा के एग्जाम करवाए। गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी समय से लंबित मांग थी हमारी कंप्यूटर शिक्षक की, जो इन्होंने हमारी मांग को सुना। 9th-10th में कंपलसरी सब्जेक्ट था और 11th-12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। करीब 15,000 से ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता है, जो कि गहलोत जी जल्द से जल्द प्रक्रियाधीन करें इस भर्ती को। प्रदेश में BCA, MCA, PGDCA, BTEC, MTEC जैसी योग्यता रखने वाले शिक्षक प्रदेश के स्कूलों में अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये शिक्षक बेरोजगार हो गए। अब राज्य सरकार स्थायी तौर पर शिक्षकों को लगातार इस समस्या से निजात दिलाना चाहती है। आशीष चौहान, Zee Media, जयपुर।